क्या है ईश्वर के लिए कुछ भी। हालेलुया। अभी चंगाई होते तुम अब लोग विश्वास करो, ये पीछे का दर्द चंगाई होते वो दर्द है, वो विश्वास जो लोग विश्वास करते चंगाई मिल जाते। हालेलुया। विश्वास से प्रार्थना करने में भी चंगाई हो जाते। हालेलुया। वो समय वो लड़की के लिए मैं प्रार्थना करने के समय में बोला, यीशु वो आप चमत्कार करो, नहीं तो वो आपका नाम के लिए ये चमत्कार करो। मैं जब अफ्रीका में काम करते थे बहुत बार वो बारिश, कम से कम 30 बार बारिश आया, प्रार्थना किया बारिश बादल भी चला गया, ऐसा पैदल चल के चला गया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो काला वाला बादल अभी गिरेगा करके मैं बोला, उस समय मुझे एक वचन मिला ये उल्पत्तिका ग्रंथ में 1 में ऐसा लिखा है, प्रकाश हो जाओ प्रकाश हो जाओ। मैं वही वचन बोला, प्रकाश हो जाओ प्रकाश हो जाओ प्रकाश हो जाओ। उसी समय बादल निकल गया, प्रकाश हो गई। हालेलुया 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 हालेलुया। और कुछ भी हो गया, कुछ लोगों में शैतान था उधर, वो शैतान आवाज किया, लोग उसे गिर के ऐसा ऐसा सांप जैसा ऐसा करे, कुछ लोगों को मुझे पकड़ना, मेरे पैर में पकड़ना, कुछ लोग शैतान आवाज किया लोग। वो अभी जब अंधकार निकलने के लिए प्रकाश हो जब वो बोला सब कुछ, वो बंधन से भी लोग मुक्त हो गए। इसलिए वजन का इतना शक्ति है। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारा फादर मैथ्यू नाइकम्बरम्बिल, हमारा विंसेंशन का फादर है, डिवाइन का पहले केरला में जो डिवाइन शुरू किया, फादर जी ने हर समय एक वचन देते, संत लूक 10:19, मैं तुम्हें सांप और बिच्छुओं को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा। मैं तुम्हें पीछे बोलिए, मैं तुम्हें सांप और बिच्छुओं के कुचलने का सामर्थ्य दिया है, और कुछ भी तुम्हें हमें हानि नहीं पहुंचाएगा। हालेलुया हालेलुया। एक बार मेरा इधर पहले एक कम से कम 10 साल पहले, 10 साल के ऊपर हो गया अभी, वो एंडेबे रिट्रीट सेंटर उगांडा में मुझे उधर अपॉइंट किया, उधर का डायरेक्टर था। उस समय एक शिविर चलते बाहर है उधर, बहुत फ्लाइस आया, छोटा छोटा फ्लाइस, ये लेक से आते, लेक से लेक है उधर बहुत आते हैं, हम कब कब दुनिया में पूरा इतना जमा करते, बहुत आते। वो उसका मछली का वास भी है ये छोटा छोटा फ्लाई को। एक बार हम प्रवचन करते ये फ्लाइस आया, बहुत आया। मैं अभी याद में याद किया, फादर मैथ्यू नाइकम्बरम्बिल बोलते ये वचन लूक 10:19, जब हम बोला वो मच्छर आते, मच्छर को भगाने के लिए ये वचन बोलो, ऐसा फादर मैथ्यू हमको सिखाया। मैं ये मच्छर नहीं है, दूसरा चीज है, फ्लाई है छोटा छोटा ऐसा। अभी अब उन लोगों को बोला, क्या तुम लोग विश्वास करते हैं क्या ये फ्लाइस निकल जाएगा करके, मैं उन लोगों को पूछा। अभी ऐसे हम प्रार्थना करेगा, अभी एक व्यक्ति ऐसा करते है, वो बहुत परेशान करते है, ऐसा करते है। हालेलुया 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 हालेलुया। उसी समय
हम प्रार्थना किया, क्षण समय में इतना जल्दी से सेकंड के अंदर ये सब निकल गया। कहां गया पता नहीं, विश्वास से प्रार्थना किया, सब कुछ निकल गई। ईश्वर का चमत्कार है, हालेलुया। ईश्वर के लिए कुछ भी, हम विश्वास करो उसके लिए कुछ भी, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं इसके बाद उगांडा वापस गया था, उसके समय में एक गीत गाने वाला एक लड़की आके मुझे पूछा, फादर जी हम सोचा तुम उस चमत्कार के बारे में बोलेगा। उस दिन ऐसा हो गया ना, ये सब फ्लाइज निकल गया, चमत्कार के बारे में बोलेगा करके हम सोचा था। हालेलुया। वो लोग अभी भी याद करते, वो उन लोग बोलते फादर जी वो बादल को और बारिश को भी भगाते। हालेलुया। फादर जी क्या नहीं, विश्वास से होते ये सब कुछ। कैसे होते? विश्वास से। हालेलुया। वही विश्वास से मैं इस लड़की के लिए आज प्रार्थना किया, जैसे तुम वो बादल को भगाते इसका अभी चंगाई करना। वो विश्वास करने वालों को ब्रदर जी बोला संत मार्कुस 16:17 से हम सुनते, संत मार्कुस 16:17 से पढ़ते, पढ़ो किसी ने पढ़ो। हाँ, ये चमत्कार दिखाया करेगा, वे मेरा नाम लेकर। हालेलुया हालेलुया। ये मेरा पहले साल, वो जब पुरोहित हो गया पहले साल से बहुत अभदूतों को निकाला, मुझे तो नहीं कैसे करना नहीं मालूम था, लेकिन वो आते क्या करेगा। हालेलुया। वो शिविर के समय वही लोग आते, वो अभी कुछ कुछ प्रार्थना करते वो भाग जाते। हालेलुया। विश्वास से करते भाग जाते। हालेलुया। कभी कभी संतों का बिनती करते ऐसे भाग जाते। वो उसी समय ईश्वर ऐसा सहायता करते। वो अबदूतों को क्या बोला, और पढ़ो अबदूतों को, वे मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेगा। नवीन भाषाएं, हाँ मुझे नवीन भाषा मिला है, नवीन भाषा। हालेलुया। नवीन भाषा का वरदान ईश्वर ने मुझे दिया। मैं मुंह खोल के, लोगों को नहीं समझते लेकिन मेरे मुंह में बहुत बहुत भाषा आते। हालेलुया। वो विश्वास से भी ये भाषा वर्ड इस्तेमाल करते। कुछ लोग क्या समझते हैं कि फादर क्या करते, सुना है क्या? हालेलुया। ऐसा भाषा, बहुत भाषा आते मुंह में। ये भाषा का वरदान दिया। हालेलुया। ये भाषा से छुटकारा मिलते, वो अबदूत को निकालते और चंगाई होते। ये भाषा से भी मुझे प्रवचन मिलते। कुछ लोग आते मेरे पास बैठने के लिए, आते काउंसलिंग के लिए आते। ये भाषा से प्रभु मुझे बात करते, बहुत भाषा में मिलते। वो मैं सुहिली मालूम, कभी सुहिली आते, कभी हिंदी आते, कभी मलयालम आते, कभी इंग्लिश आते, लेकिन इसमें से प्रभु मुझे बात करते इन लोगों के बारे में क्या क्या है करके। ये मैं किसी के ऊपर इस वरदान नहीं देगा, लेकिन मुझे प्रभु ने धीरे धीरे से सिखाया ये वरदान। हालेलुया। हाँ, जब विश्वास करके मुंह खोल के ऐसा प्रार्थना करने में प्रभु परमेश्वर ने ऐसा सिखाया। वो कुछ कुछ लोग आते, मैं पूछता हूँ
क्या ऐसा है कुछ 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 पूछता है। मुझे आसान है वो कुछ काउंसलिंग करने के लिए आसान होते क्योंकि मेरे मुंह में आते दर्शन भी मिलते। वो शरीर में भी जो बीमारी हम खुशी को वो भी मिलते। हालेलुया। इसलिए हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने में ये वरदान से प्रभु हमें बात करते। हालेलुया। हम ये वरदान मिलके दूसरों को सेवा करना कलीसिया का के लिए सेवा करना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब तुम इतना विनम्र हर तो विनम्र हो हमारा कुछ तो नहीं है। ये जो बोलते मुझे घमंडी होने का कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ वरदान है। जो लोग बच्चों जैसे उसका मुंह ईश्वर को देते वो मुंह को इस्तेमाल करते, जो बच्चों जैसे उसको हृदय खोलते वो पवित्र आत्मा आते। इसलिए ऐसा लिखा है पेत्रुस का पहले पत्र 5:6 से ऐसा लिखा है, पढ़ो। आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने, कौन ईश्वर कौन है शक्तिशाली? हमको शक्ति तो नहीं है। हाँ आप शक्तिशाली ईश्वर में सामने विनम्र बने रहे। उसने उपयुक्त समय में ऊपर उड़ाए। बाकी भी पढ़ो। हाँ हालेलुया। विनम्र बनके शक्तिशाली ईश्वर, हमको शक्ति तो नहीं है, हमारा शक्ति ईश्वर से आते। इसलिए अभी भी हम ये इन दोनों को साथ प्रार्थना किया। उन लोगों को पूछो कैसे हम प्रार्थना किया। आप लोगों के लिए गीत गाने के लिए ये आराधना चढ़ाने के लिए हमारा शक्ति तो नहीं है। इन लोगों को मैं बोला क्या बोला, संतमती 5:3, धन्य है जो वो अपने को दीनहीन समझते हैं उन्हीं का स्वर्ग का राज। धन्य है जो हो अपने को उन्हीं का है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वर्ग का राज हमारे अंदर, ये स्वर्ग का राज है, पवित्र आत्मा भी है स्वर्ग का राज। हालेलुया हालेलुया। रोमियों का पत्र 14:17, रोमियों का पत्र 14:17, क्योंकि ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं बल्कि ज्ञान न्याय शांति पवित्र आत्मा द्वारा। पवित्र आत्मा द्वारा क्या है? आनंद का अभिषेक। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर का राज्य क्या है? न्याय शांति और पवित्र आत्मा के द्वारा आनंद का अभिषेक। हालेलुया हालेलुया। ये पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में आनंद होते शांति होते और सब कुछ जाते। हालेलुया। इसलिए मत्ती 5:3 इधर बहुत अच्छी तरह हमको समझना, धन्य है जो हो अपने को दीनहीन। हालेलुया। मेरा अंदर थोड़ा ठीक नहीं था, मुझे थोड़ा तकलीफ परेशानी था, इसलिए इन लोगों को साथ में प्रार्थना किया। इन लोगों को एक साथ पकड़ के ये गायक लोगों को उधर जाके परम प्रसाद के सामने ऐसा हम प्रार्थना किया, ऐसा मुझे अभिषेक मिला। मैं बोला मैं दीनहीन हूँ, मुझे कुछ भी नहीं है मेरा। आप
जो देता है वही है मेरा, मुझे कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अगर तुम एक भिखारी है तो भीख मांगते, सहायता मांगते, दे दो दे दो दे दो। हमको भी ऐसा भीख मांगना, ईश्वर से भीख मांगना, वो घमंड में रखने, मुझे सब कुछ है, कुछ फायदा तो नहीं है। जब हम सोचते हमको ईश्वर का वरदान का जरूरत है। इधर कुछ लोग बैठते हैं, कैसे उन लोगों का अंदर क्या है? हम बहुत शिविर में भाग लिया, हम बहुत 40-50 शिविर में हम भाग लिया, हमको सब कुछ मालूम है, सब कुछ मालूम है, हम बहुत शिविर में भाग लिया। ऐसे सोचने लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। हर समय हम विनम्र होना चाहिए। आज क्या है तुम देता है, नया क्या देता है। मैं भी इसलिए बहुत बार प्रवचन करते, लेकिन मैं नहीं सोचते मुझे अच्छी तरह प्रवचन कर सकते, कभी मैं नहीं सोचते। आराधना के बारे में भी वही है, मैं कभी नहीं सोचते मुझे अच्छी तरह आराधना कर सकते, नहीं मुझे नहीं आते, प्रवचन भी मुझे नहीं आते। जब पवित्र आत्मा आएगा, संत मत्ती 10:19, जब जब अदालती के सामने खड़े हो, चिंता मत करो तुम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे। समय आने पर तुम्हें बोलने का शब्द दिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम पवित्र आत्मा में विश्वास करना, हमारा जीवन पूरे उसको देना, समय आने पर उसने हमको सहायता करते। हालेलुया, वही है। एक काम देखना, पहले दिन में बोला यूसुफ, ईश्वर यूसुफ के साथ दे, यूसुफ ईश्वर यूसुफ के साथ दे, ईश्वर दाऊद के साथ दे, ईश्वर रफायल के साथ दे। ऐसा ही हो ना, आपका नाम बोलो, बोलिए ईश्वर रफायल के साथ है, आपका नाम बोलिए ईश्वर रफायल के साथ है, ठीक है क्या, साथ है क्या? कभी नहीं छोड़ना ईश्वर को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी हम देखते, थोड़ा आंतरिक गांव के बारे में बोलने के लिए आया, अभी दूसरा प्रवचन पवित्र आत्मा ने दूसरा रास्ता में लिया। हालेलुया, ले गया हम अभी आंतरिक गांव के बारे में, वो भी हमको सुनने का बहुत जरूरत है। हमको चंगाई मिलते, वो चंगाई बहुत लोगों को मिलते जब आंतरिक गांव से चंगाई होते, इसके द्वारा शारीरिक चंगाई भी हमको मिलते। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो का पत्र 7:14 से, रोमियो का पत्र 7:14 से 14 पढ़ो। हम जानते हैं कि क्या संहिता आध्यात्मिक है, किंतु मैं प्राकृतिक और पाप का दास हूं। मुझे आध्यात्मिक तो जानते हैं, क्या अच्छा है हम जानते हैं, ये बाकी पढ़ो। हाँ, हाँ, जो मुझे करना चाहता हूं वही मुझे नहीं कर सकते, जो नहीं करना चाहता हो वही करते, यही है।
हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, हम पाप स्वीकार करके जाते लेकिन हम जो करते वो हमको नहीं करना चाहते, जो करना चाहते वो नहीं करते, विरुद्ध होते, विरुद्ध हमारे अंदर क्या है, विरुद्ध होते, लड़ाई होते। हालेलुया 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 हालेलुया। इसलिए अंत में 25 में क्या लिखा है, 7:25 में हाँ ये 24 भी पढ़ो। हाँ हाँ कैसे मुझे मुक्ति मिलेगा, ये विरुद्धता मेरे अंदर कुछ विरुद्धता है, जो कुछ मैं करना चाहता हूँ वह नहीं करना कर सकते, जो कुछ नहीं करना चाहता हूँ वही करते, ये विरुद्धता से मुझे कैसे बचा सकते, क्या है कैसे बचा सकते, हमारे प्रभु हाँ कैसे बचा सकते, हमारे प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ईसा मसीह के द्वारा सकता है मुग्ध होना, मुग्ध हो सकते हैं। हालेलुया। कभी कभी मुझे पढ़ाई करना लेकिन क्या कंप्यूटर गेम खेलना क्या इच्छा होता है, ठीक है ना, ठीक है ना, और दूसरा कुछ गीत गाना, यूट्यूब देखना, ऐसा ऐसा पढ़ाई के समय दूसरा कुछ आते, पढ़ाई नहीं करते, जो कुछ मैं करता हूँ वही नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए कौन मुझे इसमें से मुक्त करेगा। हालेलुया। कौन करेगा, यीशु। हालेलुया। हिब्रूस इब्रानियों का पत्र 13:8 इब्रानियों का पत्र 13:8 पढ़ो। हाँ ईगम ईसा मसीह ओके मैं मेरे भाषा में बोलेगा, ईसा मसीह एक है कल आज और अनंत काल तक। हालेलुया। ईसा मसीह एक है कल आज और हालेलुया। जब हम उसको बुलाते वो कल भी आएगा, आने वाले दिन में भी आएगा, हमारे पिछले दिन में क्या क्या हो गया वो ही को चंगा करेगा। वो लड़की और चंगाई मिला पेट का दर्द का, खड़े हो जा, खड़े हो जा, थोड़ा खड़े हो जा, नहीं तुम नहीं पीछे पीछे वो ओके। और उसको चंगाई कैसे हो गया, उसको पागले कुछ कुछ हो गया था जीवन में, परेशानी नहीं आना, वो दुख था, लोग मुझे नहीं समझते, वो कुछ कुछ अच्छा दिल से कुछ किया लेकिन लोग बुरा समझते, ऐसा ही होता है हमारा जीवन में, उसको बहुत माँ भी नहीं समझा, बाप भी नहीं समझा, टीचर लोग भी नहीं समझा, ऐसा होता है हमारा जीवन में, वो दुख होते, ये दुख से अभी दूसरा होते, वो अभी उस प्रार्थना करने के समय अभी शेयर किया, उसका ये दर्द भी ठीक हो गया। हालेलुया। बैठो। आंतरिक घाव चंगाई होने में शारीरिक घाव भी चंगाई होते। हालेलुया। और बीमारियों भी चंगाई होते, हमको जो कुछ करना चाहते हैं वही कर सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। मैं जो कुछ करना चाहता हूँ वही मुझे नहीं कर सकते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो इसका कारण क्या है, कारण है आंतरिक घाव, आंतरिक
घाव, ये आंतरिक घाव हमको कैसे मिलते, ओ वही हम सुनते, आंतरिक घाव हमको कैसे मिलते। मैं थोड़ा थोड़ा बोला, बीच में सुनो। जो लोग हमें प्यार करने वाला लोग है, प्यार नहीं देते, उसमें आंतरिक घाव होते। जो लोग हमें प्यार करने वाला लोग है, वो प्यार नहीं देते, उसमें हमको क्या होते, घाव होते। जो लोग हमको स्वीकार करने वाला लोग है, वो लोग हमें तिरस्कार करते, इसमें घाव होते, आंतरिक घाव होते। वो तिरस्कार से, जो लोग स्वीकार करने वाला लोग तिरस्कार करते, वो जो लोग प्यार करने वाले लोग प्यार नहीं देते, इसमें आंतरिक घाव होते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये इसी के द्वारा हमारे अंदर बुरी बात चलते रहते, इसलिए हमको वो शरीर में, हमारा शरीर में जो घाव होते, शरीर में घाव होते, इसमें क्या होते, इसमें इलाज नहीं करेगा तो ये घाव अभी बुरा हो जाएगा। इसके अंदर भी क्या कीड़ा चलते रहते, कुछ जानवर में हम देखते कीड़ा चलते रहते। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये कीड़ा चलते रहते इसके अंदर, ऐसा हमारे अंदर भी कीड़ा चलते, कीड़ा रहते। कौन सा कीड़ा? अबदूतम रहते। थोड़ा जैसा ईश्वर हमारे अंदर रहते, ऐसा अबदूत भी रहते। जैसा जो जहां गांव है उधर क्या अबदूत को जगह मिलते। एफेसियों का पत्र 4 हम कल देखा, 26-27, एफेसियों का पत्र 4:26-27। यदि आप क्रुद्ध हो जाए उसी के कारण पाप ना करे सूरज के डूबने तक, अपना क्रोध घायल नहीं, कायम नहीं रखने दे, शैतान का अवसर, हाँ शैतान को, ये शैतान को, ये कीड़ा, ऐसा शरीर का ये गांव में कीड़ा रहते, ऐसा अबदूतों को भी जगह मिलते, हम दूसरों को क्षमा नहीं करेगा। इसके अंदर बैठ के हमको बोलते, जो हमको नहीं करना चाहते वही करो बोलते, ऐसा करो, ऐसा करो। एक उदाहरण, आपको किसी ने दुरुपयोग किया बचपन में, दुरुपयोग किया, बहुत छोटे थे दुरुपयोग किया, तुमको कुछ भी नहीं मालूम था लैंगिकता के बारे में, किसी व्यक्ति ने दुरुपयोग किया, इसके कारण क्या हो गया, घाव हो गया, दुख हो गया, वो मैं अच्छा नहीं लगते अभी, वो अभी इसके अंदर से थोड़ा अबदूत को जगह मिला। इसलिए हम क्या करना, जो लोग हमको दुरुपयोग किया उसको क्षमा करना। हालेलुया, जब तक तुम नहीं क्षमा नहीं करते उसका जगह है। हालेलुया, इसलिए जो लोग ऐसा किए उन लोगों को क्षमा करना। एक दिन से नहीं जाते तो कुछ कुछ दिन, ऐसा महीने तक करो, ये उसी लोग को क्षमा करके, उसके लिए प्रार्थना करके, ऐसा ये यीशु का पावन लहू से शुद्ध करके, यीशु के पावन लहू से अब हमारा घाव को क्या करना, शुद्ध करना, साफ करना। हालेलुया, हालेलुया। देखो इस मंदिर में एक कुत्ता आके टट्टी किया, देखो टट्टी रहेगा तो क्या होते, दुर्गंध होते हैं, क्या करना, तो उसमें भी है वो जो फ्लाइस आते हैं, ऐसा ऐसा बहुत दुर्गंध भी होते, वो साफ करना चाहिए, ठीक है ना, डेटोल और कुछ लोशन लगे हम साफ करते हैं ठीक होते हैं। ऐसा ही हमारे अंदर कुछ ऐसा कुछ हो गया, वो साफ करना, जो बुरी बातें हो गया उसको
साफ करना चाहिए। कैसे साफ करते? क्षमा करना दूसरों को, हमको खुद भी क्षमा करना। ऐसा हो गया मैं अच्छा नहीं करके सोचते, हालेलुया। कुछ लोग ऐसा समझते मैं अच्छा नहीं है, सैतान बोलते तुम अच्छा नहीं है। दो लोग आओ, दो सौ रुपया नोट लेके आओ मुझे, मैं दिखाता हूँ कैसे है सैतान का काम कैसे है। सौ रुपया नोट दो जन लेके आओ मुझे, जल्दी जल्दी आओ। ये वीडियो रिकॉर्डिंग करते इसलिए मुझे नीचे नहीं आ सकते। दो सौ का नोट, सौ सौ का नोट दो, सौ का नोट दो जन लाओ, जल्दी जल्दी, समय नहीं है। इसलिए एक उदाहरण दिखाना चाहिए आप लोगों को। पैसा नहीं है लाया, मैं बोला था ऑफरिंग है करके। हाँ एक एक दे दो मम्मी, एक दे दो। हाँ ओके, इधर आके दे दो, दूसरों को भी देखना देखना आपका चेहरा। ओके आओ। हाँ हाँ ओके अच्छा, ये कितने रुपया है, ये कितने रुपया है? हाँ देखो, ये नोट को कुछ हो गया, ये नोट को अपमान किया, थोड़ा दुरुपयोग किया, थोड़ा अपमान। देखो इसके बाद में टॉयलेट में डाला, टॉयलेट में डाला, टॉयलेट में डाला। दूसरे व्यक्ति आया, हो एक नोट टॉयलेट के अंदर है करके देखा, उसने लिया ये नोट को लिया अभी। देखो नोट को थोड़ा साफ किया। ओके टॉयलेट से लिया, थोड़ा साफ किया, फिर इसके बाद भी आयरन भी किया, आयरन भी किया, थोड़ा आयरनिंग किया। इसके बाद में दुकान में जाते, साफ किया, आयरन भी किया, दुकान में जाते, दुकानदार को पैसा देते कुछ माल लेने के लिए। वो देखा वो कौन सा दो नोट में कुछ फर्क नहीं पड़ते हैं। वो देखा ये जो टॉयलेट में गिर गया वो थोड़ा नया लगते हैं, साफ किया है ना इसलिए नया लगते। हालेलुया 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 हालेलुया। और इसलिए हाँ वो ही नोट थे ना, वो अच्छा दिखते, वो टॉयलेट में गिर गया नोट अच्छा दिखते, वो ही नोट दे दो मुझे, बोला हालेलुया। इसका मतलब क्या है? जब यीशु हमको पवित्र करते हम पवित्र, हाँ हमको सबको यीशु ने एक कीमत दिया है, लेकिन सैतान बोले तुम अच्छा नहीं अच्छा नहीं, हम सुन के बैठते। ऐसा नहीं सुनना, हमारे लिए ईश्वर ने एक अच्छा कीमत दिया है। जो कुछ लोग बोलते हैं छोड़ दो, उसको नहीं जानते मैं कौन हूं, उन लोगों को नहीं जानते। हालेलुया, हमारे अंदर ईश्वर का आत्मा है। हालेलुया हालेलुया, हम ईश्वर का प्यारी बेटा बेटियां है, वो मुझे हमें बहुत प्यार करते हैं। जो कुछ हुआ गया, जो कुछ हुआ यीशु ने हमें साफ करते, आज हमें पूरा साफ कर दे। विश्वास करते हैं क्या? विश्वास करते हैं क्या? हमारे पाप साफ किया, अभी हमारा आंतरिक गांव भी साफ करेगा आज। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए हमारा कीमत बड़ा है, जो लोग बोलते इसके ऊपर है हमारा कीमत। ईश्वर ने हमारे लिए अच्छा कीमत दिया है। इसलिए सामुएल का पहले पत्र 16:7, सामुएल का पहले पत्र 16
सात पढ़ो। आज ही बहुत चंगाई होते, ये मसल का दर्द, कमर दर्द, ओ बहुत चंगाई आज मिलेगा, विश्वास करो। अंदरी खाओ के चंगाई के बाद बहुत चंगाई मिलेगा। ये वजन पढ़ो जल्दी, सामुएल का पहले पत्र 16:7। परंतु ईश्वर ने सामुएल से कहा, उसके रूप रंग ऊंचाई लंबे ओके मैं उसे नहीं चाहता, प्रभु मनुष्य की तरह विचार नहीं करता। हाँ मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, प्रभु क्या देखता है? हालेलुया, किसको मालूम है हमारा हृदय? हाँ प्रभु को मालूम है, वो बहुत प्यार करते हमें। हाँ कुछ ऐसा नहीं सोचना, जैसा ईश्वर ने हमें बनाया। हालेलुया, एक गीत है ना, हम ईश्वर ने हमको कैसे बनाया, कैसे बनाया, कैसे बनाया, अच्छा बनाया। गीत गाओ थोड़ा, सब लोग खड़े हो जा। एक्शन किसी को मालूम है कैसे बनाया, अच्छा बनाया? एक्शन किसी को मालूम है? आओ, आओ इस लड़की को मालूम है, आओ। ये गीत का ईश्वर हमको अच्छा बनाया, दूसरे लोग को कहीं कुछ बोलते, जल्दी आओ। नहीं करूंगा, नहीं, ये वही है अंदरी गाओ, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, जो करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते। हाँ यीशु कैसे बनाया? हाँ सबको अच्छा बनाया, दूसरों को नहीं देखना, बैठो। हालेलुया, हालेलुया, क्या आप सुंदर है क्या? हाँ जैसा तुम्हारा टीथ ऐसा है वैसा ही सुंदर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ दूसरों के देखो, बाय दाखिने वालों बाएं वालों को देख के थोड़ा हंस के तुम सुंदर है बोलो थोड़ा। हाँ तुम बहुत सुंदर है बोलो।
अच्छा वैसा ही बोलना। हालेलुया 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 हालेलुया। इसलिए जो लोग कुछ बोलते वो लोग को ब्यूटी का कॉन्सेप्ट अलग अलग रहते लोगों का। मैं जिनको ब्यूटी पसंद करते दूसरों को पसंद नहीं करते। वो ईच लोग ईच व्यक्ति का ब्यूटी कॉन्सेप्ट अलग है। कुछ लोगों को काला लोग को बहुत पसंद करते। देखो यूरोपियन लोगों को या अफ्रीकन लोगों को बहुत पसंद है। हालेलुया। इसलिए काला रंग भी बुरा नहीं है। मैं देखा यूरोपियन लोग ये अफ्रीकन लोग से शादी करते। इंडियन लोग से इतना शादी तो नहीं करते। उन लोगों को अफ्रीकन्स को बहुत प्यार करते क्योंकि उनको काला पसंद है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए रंग में भी क्या है, रंग में भी कुछ भी नहीं है। वो अभी हमारा चेहरे में अच्छा हम हंसते हैं अच्छी तरह वही है। ईश्वर ने हमको कैसे बनाया, उसका सादृश्य में बनाया। कैसे बनाया? हाँ ईश्वर ने हमें उसके सादृश्य में बनाया। हम सब ईश्वर को सादृश्य में बनाया। हालेलुया। ये ईश्वर पिता पुत्र पौत्रात्मा तीनों में एक साथ मनुष्यों को बनाया। तीनों एक साथ पिता पुत्र पवित्रात्मा तीनों में एक साथ उस ऐसे लिखा है। हम मनुष्य को हमारा रूप में, मनुष्य को हमारे रूप में बनाना चाहिए। हालेलुया। ईश्वर का रूप क्या है, ईश्वर का रूप क्या है, क्या है? हाँ हम ठीक है, लेकिन ईश्वर का रूप क्या है फिर भी पूछते हैं। ईश्वर का रूप क्या है? प्रेम। ईश्वर का रूप प्रेम। हालेलुया। क्योंकि ईश्वर प्रेम है। हालेलुया। इसलिए ऐसा लिखा है हम मनुष्य को हमारा प्रतिरूप में सादृश्य में बनेगा। हमारा पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों हमारा प्रतिरूप में बनाएगा करके वो तीनों में बहुत प्यार है। पिता पुत्र को प्यार करते, पुत्र पवित्र आत्मा को प्यार करते, वो पुत्र पिता को आदर करते, पिता पुत्र को आदर करते, पुत्र पवित्र आत्मा तीनों आदर करते ऐसा। हालेलुया। उसके उस एक है, एक है, झगड़ा नहीं होते इसके बीच में। तीनों के बीच में झगड़ा नहीं होते, कौन बड़ा कौन छोटा ऐसा नहीं समझते। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे बीच में वही होते हैं। क्या होते हैं? हम सोचते कौन बड़ा है कौन छोटा है। वो तीन तीन लोग एक साथ करेगा झगड़ा करते, कौन बड़ा है कौन छोटा है, प्यार तो नहीं है। पति पत्नी के बीच में भी प्यार नहीं है। जो कुछ हमारे अंदर नहीं है हमको नहीं देख सकते। इसलिए हमको भी क्या किसका नुकसान है, प्यार का, प्यार का नुकसान है। हालेलुया। यांत्रिक चंगाई कैसे होते, जो नुकसान है वो नुकसान में ईश्वर का आत्मा आते जब हमारा चंगाई हो जाते। हालेलुया 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 हालेलुया। इसलिए दवा क्या है, प्यार। हमारे आंतरिक घाव का दवा क्या है, प्यार। प्यार कहाँ से आते, पवित्र आत्मा से आते, पवित्र आत्मा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए देखो अभी प्यार का नुकसान में भी क्या होता है, जो लोग प्यार करने वाला है प्यार नहीं किया इसमें घाव होते हैं। अभी इसके बारे में हम सोचो कैसे कैसे हमको अभी घाव हो गया। हमारा जब हम माँ के गर्भ में था, जब हम माँ के गर्भ में था, कुछ लोग हमको तिरस्कार किया, कुछ लोग सोचा इस बच्चा को नहीं चाहिए, वो गर्भपात करेगा,
शायद पिता ने उसको, पापा ने बोला, मम्मी को बोला, अभी उसको नहीं मांगते, उसको हमको गर्भपात कर सकते बाद में। कुछ लोग शादी के बारे में क्या सोचते, जल्दी बच्चा नहीं चाहिए, कुछ काम है ऐसा ऐसा सोच के, जल्दी बच्चा नहीं, जल्दी बच्चा हो गया अभी क्या सोचते, पापा बोलते अभी अभी ये बच्चा हमारे पढ़ाई के लिए काम के लिए तकलीफ है, इसको अभी खत्म करेगा, ऐसा सोचा। पिता ने उसको तिरस्कार किया, ओ मादा भी ऐसा सोचा, तिरस्कार किया और गर्भपात करने के लिए कोशिश किया, इसमें घाव होते। वो बच्चा अभी इस दुनिया में आया, उसको क्या होते, उसको क्या होते, घाव है अंदर। हालेलुया। इसलिए उसका जीवन में भी बहुत तकलीफ होते। अभी गर्भ में क्या क्या माँ को क्या क्या दुख मिला, क्या क्या पति ऐसे शराब पी क्या के, देखो एक बच्चा इधर आया, उसको बहुत बहुत पेट दर्द, बहुत था पेट दर्द, बहुत दर्द था। वो ये प्रार्थना के समय ऐसा ऐसा गिर जा के ऐसा ऐसा करते, बहुत दर्द था उसको भी। कुछ लोग बोला उसको अस्पताल में लेके जाओ, बोला मैं, बोला मैं इधर आएगा तो जल्दी तो अस्पताल में नहीं भेजते पहले ईश्वर का, ईश्वर बहुत बड़ा डॉक्टर है ना, उसका इलाज के बाद में दूसरे इलाज के बारे में सोचते। हालेलुया। इसका मतलब डॉक्टर के पास नहीं जाना, लेकिन ये शिविर में आया लोग चंगाई के लिए आया, वैसे शैतान क्या वो बोलता है, तुम जाओ वो जाओ वो जाओ, ओ चंगाई नहीं मिलने के लिए शैतान का ऐसा प्रलोभन परीक्षण होते। इस लड़का को भी ऐसा तकलीफ हो गया। हालेलुया हालेलुया। वो उसके लिए प्रार्थना करने के समय समझ में आया उसका पिता बहुत शराब पीते थे, शराब पी के मम्मी को मारते, उसको मारते, वो बहुत तकलीफ देते घर में, इसलिए उसको बहुत दुख हो गया। पिता से भी तकलीफ, बहुत दुख है, पिता बहुत तकलीफ देते, परेशानी देते। इसलिए जब आंतरिक गांव के समय में पिता को क्षमा करने के लिए प्रार्थना किया, उसका चंगाई हो गया। हालेलुया 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 हालेलुया। इसलिए जब पिता बच्चों को छोड़ के जाते, बच्चों को बहुत दुख होते, तकलीफ होते, इसके भी द्वारा बच्चों को भी क्या दर्द होते, परे अंदर घाव होते। इसलिए पिता जो बच्चों को छोड़ के जाते, क्षमा मांगना, वो बच्चों को पिता का प्यार का जरूरत है, ये वही बोलता हूँ। हालेलुया। नहीं समझता था इसलिए प्रभु क्षमा करते। हालेलुया। हम कुछ गलत करते, हमको समझ में नहीं आते, लेकिन अज्ञान का समय को प्रभु क्या करते, क्षमा करते अज्ञान का समय को। हालेलुया हालेलुया। इसलिए जैसा पिता और माँ से प्यार नहीं मिला और कुछ हो गया गर्भ में जब दा, उससे समय उसमें भी क्या होते, आंतरिक घाव होते। हालेलुया। मेरे बारे में थोड़ा साक्षी देके ये पूरा करते, ये इसके समय भी नहीं, इस दुनिया में आया, इसके बाद बचपन में छोटा उम्र में क्या क्या हो गया, क्या तिरस्कार हो गया, स्कूल में क्या हो गया और पड़ोसी में क्या हो गया, दोस्तों ने क्या किया, घर में क्या हो गया, वो सब कुछ हमारे जीवन में उसका इसका क्या होते, उसके द्वारा हमारा जीवन में भी कुछ तकलीफ और परेशानी होते। हालेलुया 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 हालेलुया। इसलिए ये जो कुछ हो गया इसमें से हमको चंगाई, मेरे साक्षी दे तो छोटा साक्षी, मैं जब छोटे थे मुझे बहुत आंतरिक घाव था, मैं लोगों से ऐसा चल जाते, मैं नहीं बोलता अभी पूरा तो चंगा हो गया, अभी भी थोड़ा बाकी है वो जो कुछ है, पूरा मैं सोचता कभी कभी मैं ऐसा भाग जाते। हालेलुया हालेलुया। ये आंतरिक चंगाई का क्लास और इसका आराधना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, हमको चंगाई ऐसा मिलते हैं, मैं इसलिए वो साक्षी देते।
हालेलुया 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 हालेलुया। देखो बचपन से भी मैं ऐसा लोगों के साथ नहीं रहते, भाग जाते थे। मैं एक संभव याद करते जब मैं 7 उम्र के था, उस समय मेरे अंकल मर गया, उसी समय फोटो निकालने के समय वो बच्चों को इधर आगे बैठो, मुझे उधर आगे बैठने की जगह दिया, आगे बैठने की जगह दिया। उसके बाद में दूसरे लोग ऐसा ऐसा फोटो सेटिंग किया, इसके बाद में फोटो सेटिंग करने के बाद में मैं भाग गया। मैं उधर जाके दूसरे पड़ोसी लोगों के साथ रहा। जब फोटो आया मेरे आंटी पूछते, बेटा फोटो में तुम नहीं है, क्या हो गया, कहाँ गया? मैं भाग गया। क्यों भाग गया? मुझे अंदर काव है, मैं सोचता है मैं इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी है, मुझे ऐसा थोड़ा तकलीफ होते, मैं सोचा मैं इस परिवार का बाल तो नहीं है, भाग गया, ऐसा मुझे अंदर कुछ है। इसलिए कभी कभी हम लोग को लोग हमें बुलाते, हम नहीं जाते, क्या सोचते मैं जाने वाला नहीं है, वो लोग मुझे स्वीकार नहीं करेगा। ऐसा हमारे अंदर भी बहुत बहुत बार ऐसा होगी, इसलिए हमको डर लगते, क्या लोग मुझे तिरस्कार करेंगे है क्या? इसके द्वारा शैतान हमको परेशान करते। हालेलुया हालेलुया। इसके बारे में मैं सोचा अभी, क्यों ऐसा होते मेरा जीवन में, क्यों? सौ का नोट में वापस देगा वो लोग, आएगा तो सौ का नोट देगा, ओके, जो जो मुझे सौ सौ दिया वापस सौ इधर आओ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। देखो इधर आओ, 100 रुपया दिए वाला मम्मी को लोग को भी देखना थोड़ा, ओके धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया आ जाओ जाओ। हालेलुया। मैं इसके बारे में सोचा, क्या क्यों मैं ऐसा करते, क्यों मैं ऐसा करते भाग गया, क्यों? मुझे भी तिरस्कार मिला। मेरे मम्मी के गर्भ में जब मैं था मुझे तिरस्कार मिला। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कैसे तिरस्कार मिला इसके बारे में मैं सोचा, मैं थोड़ा बैठ के सोचा, वो ठीक हो गया बाद में। हालेलुया। हमारे घर में पहले 5 बेटा है, 6वां बेटी है, इसके बाद में 5 साल हो गया कोई नहीं आया, नहीं था कोई बच्चा तो नहीं था, 6 बच्चों है, इसके बाद में कोई नहीं था। सब लोग सोचा अभी कोई बेटा तो और बेटी तो बच्चा नहीं आते सोचा। हालेलुया। सब लोग सोचा, उन लोग सोचा, उन लोग एक लड़की बेटी के लिए सोच देखता था, पहले 5 बेटा था, बेटी के लिए देखता था, बेटी को मिला, इसके बाद दूसरा कोई नहीं करके सोचा। उसी समय में मैं आता हूँ, मेरे मम्मी का पेट थोड़ा थोड़ा बड़ा होते, लोग देखते हाँ और एक और एक, हम सोचा पूरा हो गया और एक, हम सोचे उन लोगों को एक लड़की के लिए ढूंढते थे, लड़की को मिला पूरा हो गया। लोगों को नहीं समझते। हालेलुया। ये बच्चा किसके लिए आते उन लोगों को नहीं समझते, इसलिए उन लोग तिरस्कार किया। मेरे पहले वाला भाई मुझसे 18 साल के ऊपर है, बड़ा है, वो कॉलेज में जाते, उसका दोस्त लोग भी पूछा तुम्हारे मम्मी को तुम्हें भी एक क्या भाई आया है क्या, उसको भी। हालेलुया हालेलुया। वो भी मुझे शायद तिरस्कार किया होगा, वो सब ऐसा ऐसा बहुत हो गया, मुझे तिरस्कार होगी, इसलिए मैं सोचते किसी को मुझे नहीं चाहते, ऐसा सोचते।
इसलिए मैं दूर जाते भाग जाते, ये अंदरी खाओ है। हालेलुया, हालेलुया। बच्चों इधर अंदर बैठो, बाहर जाके नहीं खेलना, उन लोगों को भी है, उन लोग भी सुनना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे बाद में अभी समझ में आया, वो मेरे पापा भी मुझे लेके जाते थे उधर चलने के, इधर उधर जाते, वो ऐसे बोलते थे, ये सातवां है, ये सातवां है। हालेलुया, 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 ये सातवां है करके बोलते थे। मुझे एक निकनेम भी मिला सात के बारे में, मैं नहीं बोलते। हालेलुया, मुझे एक निकनेम भी था, वो ऐसा लोग मुझे बुलाते थे, अभी आपको नहीं बोलते। हालेलुया, हालेलुया। बचपन में ऐसा निकनेम भी था, अभी सातवां, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया सातवां इतना बुरा तो नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैं अभी सातवां सात के बारे में सोचा, सातवां दिन साबत का दिन है, साबत का दिन ईश्वर का दिन है। हालेलुया, सातवां दिन साबत, साबत का दिन है, साबत का दिन ईश्वर का दिन है। मैं सातवां बेटा, ईश्वर का बेटा, ईश्वर के लिए इस दुनिया में आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे अभी समझ में आया ईश्वर के लिए मैं इस दुनिया आया। यिर्मयाह का ग्रंथ 1:5 में हम पढ़ते, यिर्मयाह का ग्रंथ 1:5 में हम पढ़ते, जल्दी हमारा आराधना शुरू करेगा, चंगाई का आराधना। यिर्मयाह का ग्रंथ 1:5 पढ़ो, मादा के गर्भ में तुमको रचने से पहले मैंने तुमको जान लिया, मां के गर्भ में आने के पहले मैं तुझे जान लिया। हालेलुया, कौन जान लिया? ईश्वर। हालेलुया, हम ऐसे इस दुनिया में नहीं आया, ईश्वर ने हमें भेजा, ऐसा तो नहीं आया ईश्वर ने हमें, हम सबको ईश्वर ने भेजा, हमको कुछ काम है इस दुनिया में करने के लिए, कुछ काम है, ईश्वर का काम कुछ करना है, इसलिए ईश्वर ने हमें, जैसा ईश्वर ने मूसा को भेजा, हमको भी भेजा है। हालेलुया, मूसा को, इसराइली लोग को मिस्री देश का बंधन से छुटकारा देने के लिए भेजा, हमको भी ऐसा, मैं भी ऐसा, मुझे समझ में आया, हमको भी। इसलिए प्यारी भाइयों बहनों, ऐसा नहीं सोचना हमें दुनिया में प्रभु ने भेजा, कुछ लोग हमें तिरस्कार किया, लेकिन ईश्वर हमें स्वीकार किया, वो हमें बहुत प्यार करते। अभी हम आराधना के लिए जाते, आराधना में मूसा को उसका लोग भी तिरस्कार किया, लेकिन जब मूसा ने वो उस पहाड़ में गया, ईश्वर को देखा, ईश्वर ने उसको चंगा किया, हमको भी ईश्वर अभी चंगाई देगा। ये उसने देखा एक कांडोम जलते हैं लेकिन पूरा नहीं होते, जलते हैं आग में है पूरा नहीं होते, उसको देखा। हालेलुया, प्रभु का चमत्कार देखा, ये चमत्कार में ऐसा है, वो ऐसा चमत्कार इधर आते, परम प्रसाद रखने वाला ईश्वर हमको चंगाई करेगा, जैसे उसने मूसा को चंगाई किया, हमको भी चंगाई करेगा। हालेलुया, इसलिए हम अभी तैयार करो, मुझे जो कुछ खाओ है उससे मुझे चंगाई मिलने के लिए ईश्वर हमारे बीच में आते, उसको इसके लिए तैयार करो, हमारे क्या क्या गांव है समर्पण करो, चंगाई, मुझे चंगाई चाहिए। इसके द्वारा हम बहुत पाप करते, शराब पीते और व्यभिचार और पोर्नोग्राफी वो सब कुछ पाप इसके द्वारा गांव के द्वारा होते, इसलिए ईश्वर हमको क्षमा करते,
हमको पहले चंगाई करके, वो जैसे समारी स्त्री को चंगाई किया, ईश्वर ने बोला तुम इस पानी पिएगा फिर भी प्यास लगेगा, लेकिन जब तुम जो पानी मैं देता हूं तुम्हारा प्यास बुझेगा।